टांडा मेडिकल कॉलेज में मात्र 9 महीने के बाद एक बार फिर एक और रैगिंग का मामला सामने आया है। सितंबर 2023 के रैगिंग मामले से कोई सबक न लेते हुए चार सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों ने जूनियरों की रैगिंग की है। रैगिंग के दौरान जूनियर डॉक्टरों से मारपीट की गई और उनके कपड़े भी फाड़े गए। शिकायत के अनुसार रैगिंग मारपीट की ये घटना 5 जून की रात को करीब 6 से 7:30 बजे के बीच में की बताई जा रही है, जब MBBS बैच 2020 के 9 प्रशिक्षु डॉक्टरों को सीनियरों ने वॉइस हॉस्टल के कमरा नंबर 108 में बुलाया और रैगिंग ली। इसके बाद इस घटना की नेशनल मेडिकल कमीशन तथा अमरू यूनिवर्सिटी में इसकी शिकायत दर्ज की गई। टांडा मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच में इन 2019 तथा 2022 बैच के सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों को दोषी पाया और 2 प्रशिक्षु डॉक्टरों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना तथा 1 साल के लिए कक्षाओं तथा हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। अन्य 2 आरोपियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माने के साथ 6 महीनों के लिए हॉस्टल तथा कक्षाओं से निष्कासित किया गया है। वहीं जुर्माना राशि को 7 दिन के भीतर जमा करवाने के भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। ये 5 तारीख की बात है, जब मैं ऑफिशियल टूर पे शिमला में था तो मेरे घर बच्चे का टेलीफोन आया कि इसको कोई 2 लड़के थे, मैंने अपने रोल में लाया 2019 बैच के और उसके साथ मारपीट की है। जी सर। तो हमने एकदम से इतनी देर में हमें सिक्योरिटी वाले का भी फ़ोन आ गया जो वहाँ पोस्टेड होता है, और उसने कहा कि यहाँ झगड़ा बढ़ सकता है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस में उनका मेडिकल हुआ, चोटें तो गंभीर नहीं थी, लेकिन जूनियर और सीनियर और इस टाइप की जो बुलिंग हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारा मामला जो है एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया। सर किस तरह से बच्चे ने इसकी कंप्लेन एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में भी की है, वहाँ से भी हमें बाद में मिला, हमने अपना काम पहले शुरू कर दिया और एंटी रैगिंग कमेटी ने इस पर संज्ञान लेते हुए उनको फाइन किया है, 1 साल के लिए निकाल दिया है और 1 लाख रुपये जुर्माना किया है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट्स बाकी कॉलेज से भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मैनेस है रैगिंग का हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। सर इससे पहले भी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर आत्महत्या की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी रैगिंग करके, अमन काचरू नाम से। जी जी। तो सर आगामी दिनों में टांडा प्रशासन की किस तरह की कार्रवाई रहेगी इन मामलों के ऊपर लेके? आपको ये मालूम होगा कि जो एंटी रैगिंग एक्ट है वो जो टांडा में जो भी एक बच्चे का डेथ हो गया था रैगिंग के बाद, उसी की वजह से ये एक्ट बना है, और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। उस टाइम जो कमेटी बनी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है कि रैगिंग का क्या क्या फॉर्म हो सकता है। रैगिंग इज़ नॉट जस्ट फिजिकल अब्यूज, इट कैन बी मेंटल अब्यूज एंड देयर आर नॉट मेनी अदर मोड्स ऑफ रैगिंग। सर हमने एक सख्त कार्रवाई की है, और जो भी बच्चे बाकी हैं वो ये समझें कि अगर कोई भी रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कांगड़ा से राजीव जायसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट